दोस्तों जब भी हम किसी के पास बैठते हैं तो हम यही बात करते हैं कि आजकल बीमारियां कितनी बढ़ गई हैं। पुराने जमाने में तो लोग बहुत ही स्वस्थ थे, लेकिन दोस्तों क्या हमने ये कभी सोचा कि पुराने जमाने में लोग जिंदगी किस तरह से जीते थे, लोग खाते किस तरह से थे। हम उन चीजों को नहीं देखते, हम सिर्फ बीमारियों को ही देखते हैं। अब मैं आपको आज एक ऐसी चीज बताऊंगा जो पुराने जमाने में तो लोग बहुत ही खाते थे, लेकिन आजकल कोई कोई ही इसे खाता है। दोस्तों जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो है भुने हुए चने। अब पुराने जमाने में जब भी लोगों का स्नैक्स का मन होता था या चाय पीते थे या कभी भी टाइम पास करना था तो वो भुने हुए चने खा लेते थे, यानी कि वो अपनी जेब में थोड़े से भुने हुए चने तो रखते ही थे। जब भी खाने का मन किया तो भुने हुए चने खा लेते थे। लेकिन आजकल हम सोचें तो हमारी जेब में क्या है, चॉकलेट्स हैं, टॉफी है और कई तरह के बिस्किट, भुजिया, ऐसी चीजें हैं जो हमें खानी ही नहीं चाहिए। दोस्तों यही कारण है बीमारियों का, यही कारण है पुराने लोगों की अच्छी सेहत का, क्योंकि दोस्तों जो भुने हुए चने हैं वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है ये तो आप जानते ही हैं। दोस्तों अगर बॉडी में प्रोटीन की मात्रा अच्छे से है तो आपकी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, आपको एक्टिवनेस रहती है, आपका दिमाग तेज होता है, आपके बाल कभी नहीं जड़ते, आपकी स्किन टाइट रहती है, लंबे समय तक आप जवान बने रह सकते हैं। लेकिन आजकल जो चीजें हम खाते हैं वो इसका उल्ट काम करती हैं। अगर आप ज्यादा पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट्स, बिस्किट, भुजिया खाते हैं तो इससे आपके बाल झड़ते हैं, आपकी स्किन ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, आपके दिल में ब्लॉकेज हो जाती है, किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं और भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आइए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि भुने हुए चने कितने खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं ताकि हमारी शरीर को फायदा हो। और भुने हुए चने खाने से होने वाले आपको कुछ ऐसे फायदे बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भुने हुए चने हमें कितने खाने चाहिए। दोस्तों आप एक मुट्ठी से दो मुट्ठी तक भुने हुए चने एक दिन में खा सकते हैं। कभी भी दिन में आपका दिल करे आप भुने हुए चने खा सकते हैं। आप सुबह खाली पेट खाना चाहें तो सुबह खाएं, कभी भी दिन में आपका मन हो जरूर भुने हुए चने खाएं। ऐसा करने से क्या होगा, आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव होगी। अगर आपका काम करने का मन नहीं करता, आपको आलसपन रहता है तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, आपका दिमाग बूस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो शरीर से खत्म होंगी और किस तरह से भुने हुए चने आपको फायदा करेंगे। दोस्तों सबसे पहला है कि आपको भुने हुए चने को अगर आप गुड़ के साथ खाते हैं, गुड़ यानी कि जागरी के साथ खाते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में नया खून बनेगा और बॉडी से खून की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। अब खून की कमी क्या होती है, दोस्तों हमारी बॉडी में जब भी आयरन का कंटेंट कम हो जाता है, यानी कि आयरन कम हो जाता है, तो बॉडी में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने से हमारी बॉडी में कई रोग हो जाते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, हमारी आंखों की रोशनी का कमजोर होना, हमें चक्कर आना, कमजोरी रहना और भी कई बीमारियां हैं जो खून की कमी से हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते और हम सभी बीमारियों का इलाज अलग ढंग से करने लगते हैं। जैसे कि अगर बाल झड़ते हैं तो हम शैंपू, सीरम, ऐसी चीजें लगाने लगते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि बालों के झड़ने के पीछे का कारण हमारे बॉडी में खून की कमी हो सकता है। क्या आपको पता है कि भारत में तकरीबन 50% लोगों की बॉडी में खून की कमी है, यानी कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में भी खून की कमी हो लेकिन आपको मालूम ही ना हो। अब मान लीजिए आप बैठकर जब भी उठते हैं और आपकी आंखों के आगे अंधेरा आता है तो ये भी कारण होता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी है। तो दोस्तों अगर आप मुट्ठी भर भी भुने हुए चने थोड़े से गुड़ के साथ खाते हैं तो आपकी बॉडी से खून की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जोड़ों के दर्द से आजकल सभी लोग परेशान हैं। पहले तो 50 की एज के बाद लोगों के घुटनों में दर्द होता था, लेकिन आजकल तो 30-40 की एज में ही घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वैसे तो हमारी बॉडी 50 की एज के बाद कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। इस कारण से 50 की एज के बाद तो आपको जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम आती ही है, लेकिन आजकल हम लोगों के खान पान में कैल्शियम की कमी है, इस कारण से 30-40 की एज में भी आपको घुटनों के दर्द का, जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप क्या करें, आप अपनी डाइट में दो चीजों को शामिल करें, एक तो आप भुने हुए चने को और दूसरा चूने को शामिल करें। दोस्तों अगर आप इन दोनों चीजों को नियमित ले रहे हैं तो इससे आपके जो घुटनों का दर्द है वो खत्म हो जाएगा। भुने हुए चने अगर आप पूरे दिन में किसी भी समय लगातार 3 महीने खाते हैं तो इससे आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। साथ ही साथ आपको 1 ग्राम यानी कि गेहूं के दाने के बराबर चूना पूरे दिन में किसी भी समय लेना है। ऐसा करने से भी आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हेयर फॉल यानी कि बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये भुने हुए चने बहुत ही अच्छे हैं। लोग हमेशा बालों के झड़ने से परेशान रहते हैं, आजकल तो 25-30 की एज में ही लोग गंजे भी हो जाते हैं। कारण है दोस्तों हमारी बॉडी में आयरन की, प्रोटीन की कमी का होना। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आपकी बॉडी में नया खून नहीं बनेगा
और अगर आपके बालों की जड़ों में नया खून नहीं पहुंचेगा तो बालों की जड़ें कमजोर होने लगेंगी। ऐसा ही आजकल हो रहा है। आजकल हम लोग लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से हमारे खाने में आयरन का कंटेंट कम है। और आप ही मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो पालक खाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ब्रोकली खाते हैं। सभी लोग बिस्किट, भुजिया और अलग अलग तरह के चाइनीज फूड को ही पसंद करते हैं। इसी कारण से हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है और खून की कमी होने से बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा, हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन हमारे बालों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी कारण से दोस्तों, जब आप भुने हुए चने को गुड़ के साथ खाते हैं तो आपकी बॉडी को आयरन और प्रोटीन दोनों मिलेंगे, जिससे कि आपके बालों का झड़ना रुकेगा। आप लगातार एक महीना भुने हुए चने गुड़ के साथ खाकर देखिए, आपके बालों का झड़ना एक महीने में ही रुक जाएगा। साथ ही साथ आपके बाल लंबे, घने और मजबूत भी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो भुने हुए चने खाइए। दरअसल दोस्तों, भुने हुए चने हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं, हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं, जिससे कि आपका वजन बहुत तेजी से कम हो सकता है। तो दोस्तों, अगर वजन को कम करना है तो भुने हुए चने खाइए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक जवान बने रहें, आपकी स्किन टाइट रहे, आपकी स्किन पर रिंकल्स ना हो, तो आप भुने हुए चने का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनकी उम्र 50-60 साल तक है, लेकिन वो देखने में 50-60 के लगते ही नहीं है। जैसे कि अक्षय कुमार, जिनकी एज 50 साल से ऊपर है, अनिल कपूर, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है। आप अपने नजदीक किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसकी उम्र 60 साल हो। दोस्तों, 60 साल में तो हमें जॉब से रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन आप देखिए, अनिल कपूर 60 साल के हैं, फिर भी वो देखने में 60 साल के लगते ही नहीं है। कारण क्या है कि वो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं। वो अपनी डाइट में भुने हुए चने को शामिल करते हैं ताकि उनकी बॉडी में एक्टिवनेस रहे, उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने नजदीक किसी 60 साल के व्यक्ति को देखेंगे तो वो कहेगा कि मेरी तो जिंदगी निकल चुकी है, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन दोस्तों, आप अनिल कपूर से पूछकर देखिए, क्या वो कहेंगे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ? वो कहेंगे कि अभी भी हमारी बॉडी में वो ताकत है। कारण है कि वो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं। हम लोग खाने पीने से पहले ये सोचते ही नहीं है कि क्या ये चीज हमारे लिए अच्छी है। आपके पास 5-10 लाख की गाड़ी है, पेट्रोल पंप पर जाएंगे, उसे कहेंगे कि भैया मेरी गाड़ी में पेट्रोल ही डालना क्योंकि मेरी पेट्रोल गाड़ी है, या मेरी गाड़ी में डीजल ही डालना क्योंकि इसमें डीजल ही डलता है। 5-10 लाख रुपए की गाड़ी की आपको परवाह है, लेकिन अपनी ये शरीर रूपी गाड़ी जिसका कोई मोल ही नहीं है, जो करोड़ों अरबों से भी ज्यादा की है, यानी कि इसकी कोई कीमत नहीं है, उसमें क्या डालना चाहिए इसके बारे में सोचते ही नहीं है। क्या कभी पिज्जा खाने से पहले सोचते हैं कि हमें पिज्जा नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी ये पिज्जा खाने के लिए नहीं बनी। हमारी बॉडी बनी है फल खाने के लिए, कच्ची सब्जियां खाने के लिए, स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स के लिए। दोस्तों, इन चीजों को खाइए। आप अपनी डाइट में फलों को, कच्ची सब्जियों को, सैलेड को, स्प्राउट्स को, ड्राई फ्रूट्स को शामिल करके देखिए आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा। आपकी जो सारी बीमारियां हैं दोस्तों, वो खत्म होने लगेंगी। मैं आपको सारी वीडियोस में यही बताने की कोशिश करता हूं कि अपनी डाइट में कम से कम 50% चीजें तो कच्ची खाओ। अगर अपनी पूरी डाइट में आप 50% चीजों में फल और कच्ची सब्जियां शामिल करते हैं तो आपकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। आपकी सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि पूरे हफ्ते में एक दिन 24 घंटे का उपवास रखें, यानी कि फास्टिंग करें। दोस्तों, फास्टिंग बहुत ही जरूरी है। भगवान के नाम पर फास्ट करने के लिए इसीलिए कहा जाता है ताकि आप भूखे रहें। भूखे रहना भी जरूरी है। हम इंसान ही हैं जिनके पास 3 वक्त का खाना है। कोई भी दुनिया पर रहने वाला ऐसा जीव नहीं है जिसे 3 वक्त का खाना मिलता हो। कभी कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं कुछ हाथ लगा तो भूखे भी रहना पड़ता है। और ये भूखा रहना ही आपको स्वस्थ रखता है। दोस्तों, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप अगर भूखे रहते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है। अगर आप भूखे रहते हैं तो कैंसर के सेल्स मरते हैं। अगर आप भूखे रहते हैं तो आपका वजन कम होता है। इसीलिए दोस्तों, धर्मों में उपवास को जोड़ा गया, फास्टिंग को जोड़ा गया। लेकिन हम लोग 3 टाइम का तो छोड़िए, हम लोग दिन में 5-6 बार, यहाँ तक कि हम लोग रात के 11-12 बजे तक खाते ही रहते हैं और सुबह उठते ही खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमें क्या क्या खाना चाहिए और किस तरह से हमें फास्टिंग करनी चाहिए ताकि हम जिंदगी में स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जाना कि कैसे भुने हुए चने खाकर पुराने लोग स्वस्थ रहते थे और आजकल कैसे हम लोग स्वस्थ नहीं हैं और कैसे हम लोग अपनी जिंदगी में खुद ही बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है। इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और साथ में एक नोटिफिकेशन बेल भी है, उसके ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।